दोस्तों कई बार कहा जाता है कि जब दो दिल टूटते हैं तो इसके साथ ही उनके सारे रिश्ते तबाह हो जाते हैं और साथ ही उनका करियर भी डूब जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज ऐसी कई अभिनेत्रियां देखने को मिल जाएंगी जो भले ही अपने प्यार से दूर हुई हो लेकिन इसकी वजह से उनका करियर डूबा नहीं है बल्कि ब्रेकअप से उनके करियर ने सफलताओं की ऊंचाइयों को छुआ है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ ऐसी ही हसीनाओं से रूबरू करवाने वाले हैं जो ब्रेकअप की वजह से आज सुपरस्टार कही जाती हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, करीना कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेबो कही जाने वाली अभिनेत्री करीना कपूर की गिनती आज फिल्मी मैदान की टॉप एक्ट्रेस में की जाती है। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों से नवाजा है। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी से की थी। इस फिल्म में इन्होंने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नाजनीन अहमद की भूमिका निभाई थी लेकिन इस फिल्म से ये अपनी खास पहचान बनाने में नाकामयाब साबित हुई थी। उन दिनों अभिनेत्री करीना कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर के साथ लिंकअप में थी लेकिन भले ही इन दोनों के लिंकअप की खबरों ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित ना किया हो लेकिन इन दोनों ने साल 2007 में एक दूसरे से जब ब्रेकअप किया तो इन दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था और तभी से एक्ट्रेस करीना कपूर लाइमलाइट में आ गई थी जिसके बाद करीना कपूर को कई हिंदी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। नंबर 4, रानी मुखर्जी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अभिनेत्री रानी मुखर्जी और गोविंदा भी एक समय एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में एक साथ काम किया है जिसमें चलो इश्क लड़ाएं, प्यार दीवाना होता है और हद कर दिया अपने जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में हमें इन दोनों की जबरदस्त लव केमिस्ट्री देखने को मिली थी और इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे लेकिन जब गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा को इस रिलेशनशिप के बारे में खबर मिली तो तुरंत ही ये रिश्ता एक दूसरे से जुदा हो गया था और जब गोविंदा और रानी मुखर्जी का ब्रेकअप हुआ तो सोशल मीडिया पर इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें काफी जोरों शोरों से फैलने लगी थी जिसके चलते रानी मुखर्जी सोशल मीडिया यूजर्स के सामने आ गई थी और तभी से रानी मुखर्जी को कई हिंदी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे जिसके बाद इन्होंने बंटी और बबली, बिच्छू और ब्लैक जैसी फिल्मों में काम किया और इसी के चलते आज इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक फेमस एक्ट्रेस माना जाता है। नंबर 3, जेनिफर विंगेट। टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट आज छोटे पर्दे की सुपरस्टार कही जाती हैं। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में न सिर्फ छोटे पर्दे पर काम किया है बल्कि इन्होंने बड़े पर्दे पर भी अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है लेकिन एक दौर ऐसा था जब ये एक्टर करण सिंह ग्रोवर से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। हालांकि करण और जेनिफर ने कसौटी जिंदगी की में साल 2001 में साथ काम किया था लेकिन उस वक्त ये दोनों महज एक अच्छे दोस्त थे लेकिन जब इन्होंने दिल मिल गया सीरियल में एक साथ काम किया तभी ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। हालांकि उस वक्त करण पहले से ही शादीशुदा थे लेकिन उन्होंने जेनिफर के लिए अपनी पहली पत्नी श्रद्धा निगम को तलाक दे दिया था लेकिन जेनिफर और करण की शादी भी कुछ ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी और इन्होंने साल 2014 में ही एक दूसरे को तलाक दे दिया था और इन दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया था और तभी से जेनिफर लाइमलाइट में आ गई थी जिसके चलते इन्हें कई पॉपुलर सीरियल में काम करने का मौका मिला। इन्होंने बेहद भी माया का किरदार निभाकर लाखों लोगों का मनोरंजन किया और खूब तारीफें हासिल की जिसके चलते साल 2019 में एक बार फिर सीरियल बेहद का सेकंड पार्ट यानी कि बेहद 2 लॉन्च किया गया और आज भी जेनिफर अपने एक्टिंग करियर में सफलता की ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आ रही है। नंबर 2, शिल्पा शेट्टी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने जबरदस्त ठुमके से यूपी और बिहार लूटने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फिट और हेल्दी एक्ट्रेस मानी जाती हैं।
लेकिन हुस्न की मल्लिका कही जाने वाली ये अभिनेत्री एक दौर में अभिनेता अक्षय कुमार के साथ रिलेशनशिप में थी। इन्होंने कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया था जिसमें धड़कन, जानवर और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। और इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। हालांकि इन दोनों की रिलेशनशिप की खबरें सुर्खियों में नहीं थीं, लेकिन जब शिल्पा शेट्टी और एक्टर अक्षय कुमार ने एक दूसरे से ब्रेकअप किया तो इन दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं बटोरी थीं, जिसके बाद से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कॉन्ट्रोवर्सी का टाइटल बन गई थी। और इसके बाद से ही शिल्पा शेट्टी के एक्टिंग करियर में कई बड़ी फिल्मों ने एंट्री मारी और आज भी इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा है। ये जल्द ही फिल्म हंगामा 2 में नजर आने वाली हैं। नंबर 1, काजोल। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे जैसे पॉपुलर डायलॉग से लाखों करोड़ों लोगों का मनोरंजन करने वाली एक्ट्रेस काजोल आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। लेकिन एक दौर ऐसा था जब काजोल और एक्टर शाहरुख खान की रिलेशनशिप की खबरों ने सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इन दोनों ने कई हिंदी फिल्मों में एक साथ काम किया था जिसमें करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। हालांकि अभिनेता शाहरुख खान पहले से ही शादीशुदा थे जिसके बाद काजोल और शाहरुख खान की प्रेम कहानी आधे अधूरे मोड़ पर ही खत्म हो गई थी और उस वक्त इन दोनों की ब्रेकअप की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं बटोरी थीं, जिसके बाद एक्ट्रेस काजोल एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई थी। और इसके बाद काजोल को और भी कई बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला और इसी के चलते आज भी काजोल ने अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री की इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की फिल्म सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, आप उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और अनसुनी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।